हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं धीरज यादव यहाँ पे आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ ब्लड रिलेशन का पार्ट टू, जो कि आपके रीजनिंग का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले कि अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन का पार्ट 1, जहाँ पर हम लोगों ने फैमिली ट्री या फिर पजल फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन के बारे में जाना। आज के अगर मैं सेशन की बात करूँ तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। तो अगर मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जैसा कि आप लोगों ने जब हम लोगों ने क्या किया था, एनालिसिस किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही रहा था। अगर हम बात करें कि आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन से ही पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो, या आपके अदर स्टेट लेवल एग्जाम की अगर हम बात करें, तो वहां पे भी आपको पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन से मैक्सिमम टाइम्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो इसको बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या यहाँ पे आपके फैक्टर्स आपको हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन को बनाने में, उन सभी के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप में से जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं, कभी ना कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ा होगा, यानी कि हम हिंदी की बात करें तो वाक्य के लिए एक शब्द। तो बेसिकली यहाँ पे भी अपने को करना यही होता है, आपको एक सेंटेंस को क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड में, एक टर्मिनोलॉजी में आपको क्या करना होता है, उसको परिवर्तित करना होता है, और कहीं ना कहीं फिर क्वेश्चन बनाना आपके लिए काफी ईजी हो जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस की कि उनके लिए अगर हम एक शब्द में अर्थ निकालें तो वो शब्द क्या होंगे और किस तरह से हमें यहाँ पे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान लेते हैं परिवार का कोई एक पुरुष सदस्य यानी कि मेल मेंबर ऑफ द फैमिली जब यह कहता है ओनली सन ऑफ माई फादर, यानी कि यहाँ पे अगर मैं हिंदी की बात करूं, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य क्या कहता है, मेरे पिता की ओनली सन, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि जब कोई मेल मेंबर ऑफ द फैमिली यानी कि परिवार का पुरुष सदस्य यह कहता है मेरे पिता का एकमात्र पुत्र, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि वह किसके बारे में बात कर रहा है, तो वह अपने स्वयं के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि हिंदी की बात करूं अगर मैं, तो किसके बारे में बात कर रहा है, तो वह अपने स्वयं के बारे में बात कर रहा है। क्लियर। इन द सेम वे अगर हम बात करें यहाँ पे, जब कोई परिवार की महिला सदस्य क्या कहती है, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, यानी कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, जब परिवार की कोई महिला सदस्य कहती है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, इट मीन्स शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, यानी कि वह अपने स्वयं के बारे में बात कर रही है। क्लियर। जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वाले का आंसर आप सभी लोग देंगे, जब हम बात करेंगे परिवार का कोई पुरुष सदस्य क्या कहता है ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर, यानी कि मेरे माता की एकमात्र बहू या फिर इकलौती बहू, तो ध्यान दीजिए, जब हम बात करेंगे परिवार का कोई पुरुष सदस्य क्या कहता है मेरी माता की इकलौती बहू, तो आपको बताना है वह किसके बारे में बात कर रहा है। क्लियर। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का उत्तर आ चुका होगा वाइफ, यानी कि हिंदी की बात करें तो पत्नी, और मिस्टेक की शुरुआत यहीं से होती है और एग्जामिनर हमें यहीं से स्टार्ट करता है कंफ्यूज करना। तो बेसिकली हमें पॉइंटेड ब्लड रिलेशन में हम क्या गलतियां करते हैं हमें उसके ऊपर ध्यान देना है और इन्हीं बातों को हमें सीखना है। बाकी बना तो आप लेते ही हो, है ना, खुद को आप रखते हैं और उसके बाद सारे रिश्तेदारों के नाम आप के दिमाग में एट अ टाइम आ जाते हैं, चलो इसी बहाने कम से कम आप याद तो कर लेते हो। ठीक है, खैर,
तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए, हमने कहा जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, तो मान लेते हैं ये परिवार का क्या है, पुरुष सदस्य, और यह कहता है इनकी माता की एकमात्र बहू, तो यह हो गई इनकी माता, और उनकी एकमात्र बहू तो आप मान लेते हो ये हो गई इनकी पत्नी, यानी कि हमने कहा उस पुरुष सदस्य का महिला से क्या संबंध है, तो आप कहोगे पति। क्लियर? लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हमने कहा परिवार का कोई पुरुष सदस्य है और यह हो गई इनकी माता और इनकी माता की एकमात्र बहू, तो ध्यान दीजिए बहू एकमात्र है, बहू एकमात्र है, लेकिन इनका बेटा एक ही, ऐसा जरूरी नहीं। और इस केस में यह इनके भाई की भी पत्नी हो सकती है, और अगर इनके भाई की पत्नी हुई तो यहाँ पे अगर हम पूछेंगे कि वह महिला इनसे किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, यानी कि भाभी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास दो विकल्प बन रहे हैं, एज अ अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तर की, तो यहाँ पे आपके पास दो विकल्प बन रहे हैं, यानी कि एक क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, भाभी हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो वाइफ या फिर सिस्टर इन लॉ। तो फिर सारी बातें आपका निर्भर करेंगी दिए गए विकल्प के ऊपर, कि आपके पास विकल्प कैसे दिए गए हैं। और अगर हम बात करें ऑप्शन के प्रेफरेंस की, तो उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आइदर वाइफ और सिस्टर इन लॉ, या तो पत्नी या फिर भाभी। अब हम बात करेंगे जब परिवार की कोई महिला सदस्य अगर कहती है इस स्टेटमेंट को, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर, यानी कि मेरी माता की एकमात्र बहू, तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह हो गई परिवार की महिला सदस्य, या हो गई महिला सदस्य की माता। और इनकी एकमात्र बहू की अगर मैं बात करूं तो कौन हो जाएगी, तो इनकी एकमात्र बहू हो जाएगी इनके भाई की पत्नी। और अगर हम बोले कि इनके भाई की पत्नी का इनसे क्या संबंध है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, यानी कि भाभी। और यहां पे हम बात करें तो आपके पास एक ही उत्तर निकल करके आएगा, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं बनेंगे यहाँ, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे संबंधों की, तो केवल और केवल एक ही संबंध हो सकता है, और वो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो इनके भाई की जो पत्नी है वो महिला से क्या संबंध रखेगी, तो क्या हो जाएगा, भाभी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस गिवेन है, और सेंटेंसेस के बदले हम क्या कर रहे हैं, केवल एक वर्ड लिख रहे हैं, और वही उस पूरे सेंटेंस का हम क्या अगर बात करें तो उत्तर हो जाएगा। तो अब हम सीधे आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्रश्नों की। प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन बनाना शुरू करें, हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले आप अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है ही, और एक वर्ड दिखाई दे रहा है माई। हिंदी की अगर मैं बात करूं, तो एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वह, और दूसरा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है मेरे। यानी कि अगर मैं बात करूं ही शी हिज हर, या फिर अगर मैं बात करूं माई या फिर आई, पूरा का पूरा आपका पॉइंटेड ब्लड रिलेशन इन्हीं वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है, इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और एक और हम बात करेंगे यहाँ पे ऑफ वाले केस की। क्लियर? हिंदी की अगर मैं बात करूं, वह उसका उसकी उस उसके, इस प्रकार से आपको कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे, या फिर आपको दिखाई देंगे मेरे मेरा मेरी मैं। तो अगर मैं बात करूं, आप क्वेश्चन बनाना कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि इन दिए गए शब्दों से शुरू कर सकते हैं, या इन दिए गए शब्दों से
शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करूं तो आपके पास यहाँ पे कुछ गिवन वर्ड्स हैं और यहाँ पे भी आपके पास गिवन वर्ड्स हैं। तो ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाले लाइन में मैंने लिखा है वर्ड्स को, ये किसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही होती है ये उसको दर्शाते हैं, और जो नीचे वाला है जो व्यक्ति बता रहा होता है उसको दर्शाता है। तो दोनों में से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं हिंदी की बात करूं तो जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है ये सारे के सारे शब्द क्या करते हैं, उस व्यक्ति को दर्शाते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं जो व्यक्ति बता रहा होता है तो ये सारे के सारे शब्द उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो हम इन दोनों में से कहीं से भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और हमने जैसा कि फैमिली ट्री यानी कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया है तो हम उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया आपको ही इज द सन ऑफ माई, माई वर्ड आपको दिखाई दिया तो माई किसके लिए आएगा, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ लेडी सेड, यानी कि माई किसके लिए वर्ड आएगा, लेडी के लिए आएगा। यहाँ पे भी आपको ध्यान ये देना है कि आप व्यक्ति का जेंडर उसके नाम से नहीं निर्धारित करेंगे जब तक कि उसके बारे में हमको क्लियर इंफॉर्मेशन ना दी गई हो। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे आपका जो माई वर्ड है वो किसके लिए आया, लेडी के लिए आया, तो ये हो जाएगी लेडी। और ध्यान दीजिए मैन और लेडी की हम बात करें तो इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है फाइनली कि मैन यानी कौन हुआ और लेडी कौन है और किसका हमें रिलेशन निकालना है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से आपने माई से स्टार्ट किया, माई फादर इन लॉज ओनली सन, तो लेडी के फादर इन लॉ कौन होंगे, तो लेडी के फादर इन लॉ हो जाएंगे इनके हस्बैंड के फादर, और इनके हस्बैंड के फादर का ओनली सन कौन हो जाएगा, इनका हस्बैंड हो जाएगा, यानी कि इसके पहले जो भी बात हुई है इस व्यक्ति के बारे में बात हुई है। और बात क्या हुई है, ही इज द सन ऑफ, यानी कि वह व्यक्ति क्या है, सन है, तो किसका सन है, ऑफ लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो किसका सन है, यानी कि इस व्यक्ति का सन है। यानी कि ध्यान दीजिए जो मैन है वो कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा, और लेडी कौन है, ये हो जाएगी। क्लियर? इसको आप क्या कर सकते थे, मल्टीपल स्ट्रक्चर बना के मर्ज भी कर सकते थे। जैसे आपने केवल इतना बनाया, अब यहां पे दिया है ही इज द सन ऑफ, क्लियर? अब वह व्यक्ति क्या है, सन है, बेटा है, तो यहां पे आप बना लोगे सन, यानी कि ये पर्सन और ये पर्सन दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, यानी कि एक ही व्यक्ति हो जाएंगे। तो आप इसको जब मर्ज करोगे तो स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से बन जाएगा। हिंदी की अगर हम बात करें तो देखो, महिला कह रही है वह मेरे, तो मेरे किसके लिए आया, महिला के लिए आया, तो यह हो गई महिला। महिला के ससुर कौन होंगे, तो महिला के ससुर हो जाएंगे महिला के पति के पिता। महिला के ससुर के इकलौते बेटे की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, महिला का पति हो जाएगा, का पुत्र यानी कि इनका बेटा। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका मैन और ये हो जाएगी आपकी लेडी यानी कि महिला। पूछा क्या है, महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि महिला की बात करें तो ये इनके पिता हो गए और ये पिता की पत्नी हो गई, यानी कि क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, मदर हो जाएगी। तो विकल्प जो सी है वो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा दिए गए प्रश्न के लिए। चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यदि मैं यहां पे क्वेश्चन की बात करूं तो दिया गया है पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड। अच्छा, फिर से यहां पे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ सन। ध्यान दीजिए दोनों प्रश्नों में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। ये लेडी हो गई और लेडी बोल रही है ही इज द सन ऑफ माई फादर इन लॉज, ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज सन। ध्यान दीजिए यह हो गया महिला का पति और इनके जो पिता है वो क्या हो जाएंगे, इनके फादर इन लॉ हो जाएंगे। अब बोल रही है कि इनके फादर इन लॉ के बेटे का एकमात्र बेटा। तो ध्यान दीजिए यहां पे आपको चेंज क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ओनली कहां पे लगा हुआ दिखाई दे रहा था, फादर इन लॉज ओनली सन, यानी कि इनके फादर इन लॉ का एकमात्र पुत्र, यानी कि डेफिनेटली किसके बारे में बात की जा रही है, इनके पति के बारे में। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर ध्यान दीजिए इनके फादर इन लॉ का सन
का एकमात्र बेटा, यानी कि इनके फादर इन लॉ का एक ही सन है, ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर हिंदी में हम बात करें तो बोल रही है वह मेरे ससुर के बेटे का इकलौता बेटा, और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे तो वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का पुत्र। तो दोनों ही बातों में फर्क है, और फर्क क्या है ध्यान दीजिए, और अगर इस फर्क को आप नहीं समझ पाओगे तो कहोगे एग्जाम में तो क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया था, ऑप्शन में ही नहीं दिया था, ठीक है, इस तरीके से आप कंफ्यूज होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब वह कह रही कि इनके ससुर के बेटे का एकमात्र बेटा, तो इनके ससुर का बेटा एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि इसका भाई भी हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इनके हस्बैंड का भाई भी हो सकता है और उसका पुत्र भी हो सकता है। तो उस केस में अगर हम पूछें, ये हो गई आपकी महिला और ये हो गया आपका मैन, तो अगर इस केस में हम पूछें महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यह हो गया इनके पिता, इनके पिता का यह हो गया भाई, और इनकी हो गई पत्नी, यानी पिता के भाई की पत्नी को क्या कहते हैं, तो कहते हैं आंट। यानी कि यहाँ कहीं पे भी आपको मदर एक विकल्प देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको माता यहाँ पे कहीं पे भी विकल्प के रूप में देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप कंफ्यूज हो गए और कहोगे क्या कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया था या तो विकल्प ही नहीं दिया था। तो हमें दूसरे पॉसिबल रिलेशन को भी दिमाग में रखते हुए उत्तर करना है, और खासकर तब जब हमारे पास विकल्प में सी एन डी यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त, तो इस प्रकार के जब हमारे पास क्या होंगे विकल्प होंगे, तो हमें विशेष ध्यान देना है पॉसिबल रिलेशंस के ऊपर। क्लियर। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे दो संभावित उत्तर थे आपके पास, एक तो क्या था माता, यानी कि ये हो गए इनके कौन, लेडी के ससुर, ये हो गए के बेटे का बेटा का एकमात्र पुत्र, तो उस केस में ये इनका बेटा भी हो सकता था, और अगर हम बात करें इनके भाई का पुत्र अगर है तो उस केस में ये इनका, अगर लेडी से हम बात करें पुरुष के संबंध की तो क्या हो जाता, नेफ्यू हो जाता, यानी कि भतीजा हो जाता, और अगर हम लेडी की बात करें तो माता एक उत्तर हो सकता था आपका, और एक उत्तर हो सकता था आंट। अगर इन केस दोनों ही ऑप्शन में दे दिया जाता तो जो प्रायोरिटी होती आपकी वो कौन से वाले विकल्प की होती, वो आप आंसर प्रेफर करते क्या, तब आप यहां पे उत्तर प्रेफर करते मदर। क्लियर। तब आप यहां पे आंसर क्या प्रेफर करते, मदर, यानी कि ये कौन थी, ये लेडी थी और ये मैन था। क्यों ऐसा करते, क्योंकि हमें दूसरा वाला जो उत्तर है यानी कि जो आंट है, उस उत्तर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेंबर्स को एज्यूम करना पड़ता। लेकिन दोनों विकल्पों को देने के साथ साथ अगर आपको दे दिया जाता सी एन डी या फिर डेटा इनएडिक्वेट यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता या फिर आंकड़े अपर्याप्त, तो उस केस में जो आपका प्रेफरेंस होता वो क्या हो जाता, सी एन डी या फिर डेटा इनएडिक्वेट के साथ में जाता। और अगर हम बात करें आइदर और की, आइदर और दे दिया जाता तो दोनों ही आपके संभावित उत्तर हो सकते हैं, तो आप आइदर और को प्रिफर करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। तो एक ही क्वेश्चन से आपने देखा कि बस हमने एक ओनली वर्ड को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे उत्तर किस प्रकार से बदल सकते हैं या और विकल्प हमारे पास देखने के लिए मिल सकते हैं केवल एक वर्ड को शिफ्ट करने मात्र से। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। Pointing to a man, a woman said, यानी कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, या कह सकते हैं कि पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, He is the brother of my son's sister's father's wife. Clear? तो माई की अगर हम बात करें तो माई किसके लिए आ जाएगा, वुमेन के लिए आ जाएगा, तो ये हो गई वुमेन। अब बोल रही है my son's sister, यानी कि वुमेन के पुत्र के सिस्टर के फादर की पत्नी का भाई, तो ये हो गया आपका मैन, ये हो गई आपकी वुमेन। तो ध्यान दीजिए, वह मेरे, मेरे किसके लिए है, महिला के लिए है, बेटे की बहन के पिता की पत्नी का भाई। क्लियर। तो आप या तो इससे स्टार्ट करिए या तो ही शी हिज हर इससे स्टार्ट करिए, और स्ट्रक्चर आपने बना लिया। अब देखिए पूछा क्या है, पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं क्या हो जाएगा आंसर, ब्रदर यानी कि भाई। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगले प्रश्न की।
अगले यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बोला गया है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, यानी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं और व्यक्ति क्या कह रहा है कि उनके कोई भी भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता, व्यक्ति यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, तो यानी कि हम बात करेंगे ये हो गया वह व्यक्ति और उस व्यक्ति का पिता, उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि अगर हम बात करें यह पुरुष है आपके और उस व्यक्ति का जो पिता है ये व्यक्ति के पिता का क्या है, पुत्र है, ये व्यक्ति के पिता का क्या है, पुत्र है, तो यानी कि ये पर्सन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उस व्यक्ति का जो पिता है वो क्या है, व्यक्ति के पिता का पुत्र है, यानी कि अगर हम ध्यान दें तो स्ट्रक्चर ये बनेगा, तो एक पर्सन ये हो गया और एक पर्सन ये हो गया, यानी कि ये हो गया फोटोग्राफ वाला और ये हो गया मैन। फिर से समझिए इसको, उस व्यक्ति का पिता यानी कि ये हो गया उस व्यक्ति का पिता, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही, तो बात की जा रही फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के बारे में। तो कौन है उस व्यक्ति का पिता, तो ये बोल रहा है कि मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि इनके पिता ये हो गया और इनका पुत्र, क्यों इसी को हम मानेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि इनके कोई भी भाई अथवा बहन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मैन। और यहाँ पूछा है हुज फोटोग्राफ वॉज दिस, तो यह फोटोग्राफ किसकी थी, तो किसकी थी, उसके पुत्र की तस्वीर थी। क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। पॉइंटिंग टू अमित सोमा सेड, यानी कि यहाँ पे आप अमित का नाम से जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते, ना ही सोमा का आप नाम से जेंडर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई दिया हिज, तो आप अमित को क्या एज्यूम करेंगे, एज अ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। क्लियर, तो बोल रहा है यहाँ पे हिज मदर्स ब्रदर, यानी कि अमित के माता का भाई, अमित के माता का भाई इज द फादर ऑफ माई डॉटर श्रेया। ये बंदा क्या है, फादर है, किसका फादर, अगर आप इसका दो स्ट्रक्चर बनाते तो ये हो गया माई डॉटर श्रेया का फादर, यानी कि ये पर्सन और ये पर्सन दोनों क्या है, कॉमन है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। जब इस स्ट्रक्चर को हम मर्ज करेंगे तो ध्यान दीजिए ये इस प्रकार से बनेगा, तो ये हो गई श्रेया और ये हो गई आपकी महिला या वुमेन, जिसका नाम क्या है यहां पे, सोमा। चलिए, और अगर हम बात करें यहां पे पूछे गए प्रश्न की, तो पूछ रहा है अमित सोमा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गई सोमा, ये हो गए सोमा के हस्बैंड, ये हो गई इनकी सिस्टर, यानी कि सोमा की हो गई सिस्टर इन लॉ, और सिस्टर इन लॉ का यह हो गया बेटा, ननद का बेटा, तो यहां पे आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, सॉरी, भांजा या नेफ्यू। चल बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, यानी कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए या एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है हिज डॉटर्स ब्रदर इज माई फादर इन लॉ, यानी कि उस व्यक्ति के जो बेटी है का भाई, यानी कि ये वाला बंदा महिला का क्या है, फादर इन लॉ है, तो ये फादर इन लॉ महिला का फादर इन लॉ कब होगा, जब ऑब्वियस सी बात है महिला इनके बेटे के साथ में क्या होगी, विवाहित होगी, तो ये हो गई महिला और ये हो गया मैन, इसको मैं लिख देता हूं वुमेन। क्लियर, प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में क्या पूछा है, हर हस्बैंड, हाउ इज द हर हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, यानी कि महिला का पति इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान दो या हो गया इनकी बेटी या हो गया बेटी का भाई, यानी कि इनका बेटा, और बेटे का बेटा अगर हम बात करें तो उत्तर क्या बनेगा यहां पे, ग्रैंडसन, यानी कि हम बात करें महिला का पति उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन। क्लियर, तो आई होप कि अभी यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन रहे हैं, आपको करना क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। चलो कुछ और यहाँ पे हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, यानी कि एक ही आपके पास प्रश्न के लिए
मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, और उस केस में आपके पास अगर दिए गए विकल्प में सीएनडी या डेटा इनएडिक्वेट जैसे ऑप्शंस आ जाएंगे तो आपको कैसे करना है, और अगर आपके पास जो दूसरा विकल्प बनता है, यानी कि एक होता है हमारे पास प्राइमरी ऑप्शन और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन, यानी कि इसके अलावा जो विकल्प आपके बनाए जा सकते हैं, और वो कब, जब आप एक्स्ट्रा मेंबर्स को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, तो आप कैसे ऑप्शंस को प्रिफर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रश्न की, तो बोला है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय इन द फोटोग्राफ वरुण सेड हिज मदर्स ब्रदर, यानी कि कह कौन रहा है, वरुण किसके बारे में कह रहा है, हिज मदर्स ब्रदर यानी कि फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के बारे में। तो ये हो गया आपका फोटोग्राफ वाला पर्सन, हिज मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, यानी कि अगर वरुण हो गया, वरुण की मदर हो गई और उनके फादर हो गए, का एकमात्र पुत्र है, यानी कि ये पर्सन और ये पर्सन दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। क्लियर। अब अगर हम इन दो स्ट्रक्चर्स को मर्ज करते हैं तो देखो हमारे पास कौन कौन से विकल्प बनते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ये हो गई वरुण, ये हो गया आपका वरुण और ये हो गया आपका व्यक्ति, अगर ये दोनों क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। क्लियर। तो यानी कि इस पर्सन की जो मदर होगी वह वरुण की भी मदर होगी, और वरुण की मदर के जो फादर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वरुण के नाना हो जाएंगे, और इनकी नाना का जो एकमात्र सन है वो क्या हो जाएगा, वरुण का मामा हो जाएगा। क्लियर। अगर हम प्रश्न की बात करें तो बोल रहा है हाउ इज द बॉयज मदर, यानी कि पर्सन की मदर वरुण से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यदि इसी स्ट्रक्चर को हम दूसरी तरह से मर्ज करते तो देखो हमारे पास एक और यहाँ पे पॉसिबल रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा होगा, तो ये हो गई वरुण, ये हो गए वरुण की मदर, वरुण की मदर के फादर का एकमात्र सन, यानी कि ये पर्सन कौन है, तो उस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की मदर का भाई है। तो देखो ये फोटोग्राफ वाला व्यक्ति हो गया, उसकी मदर का भाई जो है वो क्या है, वरुण के मदर के फादर का एकमात्र पुत्र है, यानी कि पुत्र एकमात्र है ऐसा बोला गया है प्रश्न में, लेकिन इनकी जो बेटियां हैं वो एक ही बेटी है ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि यहाँ पे इनकी एक से ज्यादा बेटियां भी हो सकती हैं। उस केस में अगर आप देखोगे तो जो पर्सन यानी कि फोटोग्राफ वाला जो व्यक्ति है उसकी माता वरुण से किस प्रकार संबंधित है, तो एक आपके पास विकल्प बनता है आंट। क्लियर। तो यहां पे अगर ध्यान दीजिए तो एक आपका उत्तर हो सकता था आंट और एक हो सकता था मदर, लेकिन यहां पे आपको आंट ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा रिलेशन को एज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा दिए गए विकल्पों के अनुसार वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माता, क्योंकि हम इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करके आंसर करने वाले हैं। क्लियर। क्यों? क्योंकि अपने पास विकल्प में आंट का कहीं पे भी हमको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पे बोला जा रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ प्रिया प्रिया सेड, तो प्रिया का जेंडर आप नाम से मत डिसाइड कर लेना। फोटोग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो बोल रही है शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, यानी कि ये हो गए प्रिया, प्रिया के ग्रैंड फादर देखो दो तरीके से हो सकते हैं, इनके मदर के फादर हो सकते हैं या फिर प्रिया के फादर के फादर हो सकते हैं। क्लियर। तो बोल रही है She is the daughter of my grandfather's only son, यानी कि वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रिया बात कर रही है वह क्या है, इनके grandfather के इकलौते बेटे की पुत्री है। तो इनके grandfather का इकलौता बेटा एक तो हो सकता है कौन, इनका मामा, और उसकी बेटी ये हो गई फोटोग्राफ वाली। और एक अगर हम बात करें तो प्रिया के grandfather यानी कि इनके दादा के इकलौते पुत्र यानी कि इनके पिता की बेटी, यानी कि ये हो गई फोटोग्राफ वाली महिला। और अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा है हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ, यानी कि प्रिया उस फोटोग्राफ वाली लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आपके पास यहां पे विकल्प क्या बनेगा, कजिन।
और अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो यहां पे आपके पास विकल्प बनेगा ब्रदर और सिस्टर, यानी कि या तो भाई या बहन। क्यों? क्योंकि प्रिया का जेंडर हम नाम से डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर हम दिए गए विकल्पों की बात करें तो यहां पे आपको दिया गया है ब्रदर और सिस्टर, और एक विकल्प आपको दिया गया है कजिन, यानी कि ये दोनों ही हमारे पास उत्तर हो सकते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो लास्ट में एक विकल्प आपको दिया गया है आइदर ए और बी, यानी कि या तो ये वाला सही हो जाएगा या तो ये वाला सही हो जाएगा। तो हम किस ऑप्शन के साथ में जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कि दोनों ही हमारे पास संभावित उत्तर हो सकते हैं। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। तो ऐसे ही कुछ केसेस में आप लोग कंफ्यूज होते हैं और गलतियां करते हैं, तो चलिए इस पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर ही लेते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ रोहन सेड ही इज द फादर ऑफ माई ओनली कजिन्स कजिन, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू रोहन। तो फिर से ध्यान दीजिए, हमने कहा यह हो गया रोहन। अब बताओ रोहन को हम यहां पे मेल एज्यूम करेंगे या फीमेल? तो ध्यान दीजिए, आप नाम से जेंडर नहीं डिसाइड करोगे। क्लियर? अब बोल रहा है माय ओनली कजिन्स कजिन, तो रोहन का जो एकमात्र कजिन है वो कौन हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, वह इनके पिता के भाई का पुत्र या पुत्री जो भी होगा वह इनका कजिन लगेगा। अब किसी ने कहा हम ये नहीं मानेंगे, हम कुछ और स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, तो हमने कहा बिल्कुल आप इस चीज के लिए पूर्णतः फ्री हैं। तो यह हो गया रोहन। अब इनका कजिन और कौन हो सकता है? हमने कहा चलो इनके माता के भाई या बहन के पुत्र या पुत्री, चलो वह भी इनकी कौन हो जाएगी? कजिन या हो जाएगा। ठीक है, किसी ने कहा हम इसको भी नहीं मानेंगे, तो हमने कहा चलो एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लो। तो हमने कहा मान लो तुम्हारी, अगर हम बात करें माता के बहन का पुत्र या पुत्री होगी तो वो भी क्या लगेगी? कजिन लगेगी। तो आपका जैसे दिल करे आप वैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर हम बात करें रोहन के एकमात्र कजिन का कजिन, यानी कि रोहन के एकमात्र कजिन के लिए कजिन कौन हो जाएगा? तो रोहन स्वयं हो जाएगा। और रोहन के एकमात्र कजिन के कजिन का पिता, यानी कि बात किसकी हो रही है? रोहन के पिता के बारे में हो रही है। फिर चाहे आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो चाहे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो, रोहन के एकमात्र कजिन के कजिन, यानी कि एकमात्र जो इनका कजिन है उसका कजिन कौन हो जाएगा? रोहन हो जाएगा। और उसके पिता की बात करें तो यह कौन हो जाएगा? रोहन के पिता, यानी कि मैन कौन हो जाएगा? रोहन के पिता हो जाएंगे। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो रोहन के एकमात्र कजिन का कजिन कौन हो गया? रोहन हो गया। और रोहन के पिता के बारे में बात हो रही है। लेकिन अब किसी ने कहा सर रोहन के एकमात्र कजिन का कजिन तो कोई और भी हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, चलो भाई बना लो। हमने कहा चलो ये रोहन के मदर की सिस्टर का या बेटा या बेटी था, और इनका कजिन अगर हम बात करें तो ये रोहन के मामा का बेटा या बेटी हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब रोहन के अगर हम बात करेंगे कजिन का कजिन, अगर इसकी हम बात कर भी लेते हैं, क्लियर? तो बताओ इसको रोहन क्या कहेगा? इसको भी तो रोहन कजिन कहेगा और इसको भी रोहन कजिन कहेगा। तो यहाँ पे एकमात्र कजिन वाली जो कंडीशन है वो क्या हो रही है? गलत हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे आप मल्टीपल कजिन्स को अज्यूम नहीं कर सकते। कजिन जो भी होगा, जैसे भी आप रिश्ता यहाँ पे बनाओ, चाहे वो मामी का बेटा बनाओ, मामा का बेटा बनाओ, मौसी का है ना, बुआ का या चाचा का, जैसे भी आप एज्यूम करोगे, कजिन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। और उसके लिए कजिन कौन होगा? डेफिनेटली रोहन होगा या फिर होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पूछा किसके लिए गया है, तो पूछा है पुरुष रोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो आप आंसर क्या करेंगे? फादर। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि इसी प्रश्न को आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाता रोहन पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां पे आपके पास अगर डॉटर दे दिया जाता तो आप डॉटर वाले विकल्प को क्या करते? प्रिफर करते। और अगर सन दे दिया जाता तो आप सन वाले यानी कि पुत्र वाले विकल्प को क्या करते? प्रिफर करते। तो दोनों ही संभावित यहां पे आपके पास उत्तर हो सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगले प्रश्न की।
अगले यदि मैं यहां पे क्वेश्चन की बात करूं तो बोला जा रहा है हरी सेड टू अरुण द बॉय प्लेइंग ड्रम। ये बिल्कुल ही अलग प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है और यहां पे आपको एक विकल्प डाटा इनएडिक्वेट भी देखने को मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, हरी सेड टू अरुण द बॉय प्लेइंग ड्रम इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर। तो कह कौन रहा है? हरि कह रहा है। किससे कह रहा है? अरुण से कह रहा है। तो माई वर्ड किसके लिए आएगा? हरि के लिए आएगा। तो ये हो गए हरि, क्लियर। और हरि क्या बोल रहा है? माई फादर्स ओनली डॉटर, यानी कि हरि के फादर की एकमात्र बेटी, यानी कि हरि की सिस्टर। तो हरि के फादर के यहां पे बोला मेरे पिता की इकलौती पुत्री के दो भाइयों में, तो इनके दो भाइयों में यानी कि एक भाई हम हरि को मान सकते हैं और दूसरा भाई कौन हो जाएगा? जो बंदा ड्रम बजा रहा है। तो हरि कह रहा है मेरे पिता के एकमात्र पुत्री के दो भाइयों में वह बड़ा है, तो कौन बड़ा है? जो ड्रम बजा रहा है। क्लियर। चलिए प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में पूछा है लड़का हरि से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो बंदर ड्रम बजा रहा है वो हरि से किस प्रकार संबंधित है। तो आप में से मोस्टली बच्चों का आंसर क्या आ गया होगा? एल्डर ब्रदर, यानी कि बड़ा भाई। अब जितने भी लोगों का उत्तर आया है बड़ा भाई, वो लोग ध्यान देंगे कि यह उत्तर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? दिए गए विकल्पों के अनुसार गलत है। तो इसके दूसरे पॉसिबल रिलेशंस के ऊपर भी हम बात कर लेंगे। जैसे कि हमने कहा यह व्यक्ति हो गया कौन? हरि। अब हरि क्या कह रहा है या कह रही है? मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। तो बताओ हरि के पिता की एकमात्र पुत्री हरि स्वयं हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। के दो भाइयों में मतलब हरि के कितने भाई? दो भाई। और उनमें कौन बड़ा है? तो जो बंदा ड्रम बजा रहा है, यानी कि ये वाला क्या है? एल्डर है। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे अभी भी तो उत्तर आपको एल्डर ब्रदर ही मिल रहा है, यानी कि हमने कहा वह लड़का हरि से किस प्रकार संबंधित है। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी भी तो वो एल्डर ब्रदर यानी कि बड़ा भाई ही तो हो रहा है। तो भाई साहब ध्यान दीजिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो लोग क्या होंगे, तीन भाई बहन होंगे जिनके दो भाई होंगे। स्पेशली अगर हम उन बंदियों की बात करें तो जरूरी नहीं कि आपके जो दो भाई हैं उनमें भाई आपसे बड़ा ही हो, आप भी बड़ी हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिए दो भाइयों में ये बड़ा है बंदा। किसमें बड़ा है? केवल इन दो भाइयों में बड़ा है, तीनों बच्चों में बड़ा है ऐसा नहीं बोला गया। और ये छोटी छोटी सी बारीकियों को अगर आप समझ लोगे ना तो जो एग्जाम में जाते हैं आप क्वेश्चंस को हल भी कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है कि हमने सही किया है, लेकिन जब मार्क्स आते हैं, जब रिजल्ट आता है, तो कहीं ना कहीं हमारा भ्रम जो है वो टूट जाता है। तो आप गलतियां कहां करते हैं? इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप गलतियां करते हैं। तो ध्यान दीजिए बोला गया है इन दो भाइयों में बड़ा है, यानी कि तीनों बच्चों में तो बड़ा नहीं है, तो उस केस में यह सबसे बड़ी बहन भी तो हो सकती है, यानी कि यह सबसे बड़ी हो गई, यह इनसे छोटा हो गया और ये इनसे छोटा हो गया, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? यंगर ब्रदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि छोटा भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक आपके पास यहां पर संभावित विकल्प क्या हो गया? यंगर ब्रदर। तो हमारा जो प्रेफरेंस होगा वो किसके साथ में जाएगा? हमारा प्रेफरेंस जाएगा डेटा इनएडिक्वेट के साथ। क्यों? क्योंकि यहां पे आंकड़े पर्याप्त तो नहीं है यार डिसाइड करने के लिए कि जो लड़का ड्रम बजा रहा है वह हरि का बड़ा भाई है या फिर छोटा भाई है। दोनों ही यहां पे ऑप्शन हो सकते हैं। और यह कैसे डिसाइड हो जाता? अगर हरि का जेंडर यहां पे मेंशन कर दिया गया होता तो डेफिनेटली आप यह डिसाइड कर पाते कि यह बंदा क्या है? हरि का बड़ा भाई है। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की। अच्छा एक प्रश्न और है आपका पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन पे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है जय इज द सन, जय इज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ रिया, यानी कि ये हो गई रिया, रिया के ओनली ब्रदर का बेटा कौन है? जय।
हु इज द सिस्टर ऑफ रोहित, और रिया हु किसके लिए आया, तो हु आया आपका रिया के लिए, तो रिया किसकी सिस्टर है, तो रिया रोहित की सिस्टर है, तो रोहित हम इसी बंदे को मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि रिया का एकमात्र भाई है, और ऑब्वियस सी बात है रिया किसकी बहन है, रोहित की बहन है, तो जो एकमात्र भाई है वो क्या हो जाएगा, रोहित हो जाएगा। पूछा है हाउ इज जय रिलेटेड टू रोहित, जय रोहित से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे क्लियरली आप आंसर मार्क कर सकते हो सन यानी कि पुत्र। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉइंटेड फॉर्म ऑफ सॉरी कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन, और इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखो कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो आपको यहां पे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, हमें यह देखना होता है कि फर्स्ट पर्सन का संबंध, फर्स्ट पर्सन इज रिलेटेड विद सेकेंड पर्सन, और दूसरा अगर हम बात करें जब सेकेंड पर्सन इज रिलेटेड विद फर्स्ट पर्सन। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो जब पहला व्यक्ति क्या होगा दूसरे व्यक्ति से संबंधित होगा, इस प्रकार से आपको जानकारी दी गई होगी, और दूसरी कंडीशन ये होती कि जब दूसरा व्यक्ति आपका पहले व्यक्ति से संबंधित होगा, इस प्रकार की जानकारी दी गई होगी, और तीसरा जो आपका बनता है वो आपसे बेसिकली नहीं पूछा जाता, वो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस के एग्जाम की बात करें, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है जब कंबाइंड फॉर्म में आपको क्या कर दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दे दी गई जाती है, जिनमें कुछ आपके क्या होंगे पहले व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से दिखाएगा, जबकि कुछ क्या होगा दूसरे व्यक्ति का संबंध पहले व्यक्ति से दिखाएगा। तो उसको अभी अपने को नहीं देखना है, बेसिकली हम इन दो बातों पे ध्यान देंगे। तो जब कभी भी क्या होगा फर्स्ट पर्सन रिलेटेड विद सेकंड पर्सन के बारे में जानकारी दी गई होगी, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन में दे दिया गया ए प्लस बी मीन्स, यानी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो ध्यान दीजिए यहां पे पहला व्यक्ति कौन था, ए था, और यहां पे पहले व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के रेफरेंस में आपको दिया गया है। इसी प्रकार मान लेते हैं अगर यहां पे लिख देता ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की बहन है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति कौन है आपका बी है, और दूसरे व्यक्ति का संबंध दिया गया है पहले व्यक्ति के रेफरेंस में। क्लियर, तो हमें दोनों ही प्रकार के प्रश्नों में अप्रोच क्या करना है उसके बारे में हम लोग यहां पे चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए जब भी पहले पर्सन का रिलेशन दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में दिया होगा तो यहां पे हम लोग रूल कौन सा फॉलो करेंगे, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाईं ओर, और जब कभी भी दूसरे व्यक्ति का संबंध पहले व्यक्ति से दिया गया होगा तो हम लोग यहां पे कौन सा फॉलो करेंगे, लेफ्ट टू राइट। ये क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको उल्टा पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसमें क्या दिक्कत आती है और इस प्रकार से करने में कैसे हम टाइम अपना बचा पाते हैं उसके बारे में भी मैं यहां पे चर्चा करूंगा। यानी कि जब हम बात करेंगे ए का रिलेशन बी के संबंध में तो हम लोग क्या करेंगे, दाएं से बाईं ओर, और यहां पे हम बात करें बाएं से दाईं ओर। क्लियर, चलिए तो इसको हम लोग क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं।
क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, यानी कि पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में आपको दिया गया है। तो हमें स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करना है, हमें लेफ्ट टू राइट का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वेज होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो अप्रोच फॉलो करना है जिससे हम अपना टाइम भी बचा सके और एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस को भी हल कर सके। तो देखो ध्यान दो, प्रश्न में पूछा है इन द गिवन एक्सप्रेशन हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, यानी कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ये रहा आपका बी और ये रहा आपका ई, तो बी का संबंध अपने को ई से निकालना है, तो कुछ नहीं करना, हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। डिवाइडेड बाई की बात करें तो डिवाइडेड बाई का अर्थ क्या दिया गया है, वाइफ दिया गया है, तो ये हो जाएगी पत्नी, यानी कि पत्नी कौन होगा, पहला व्यक्ति। डी और ई की बात करें तो पहला व्यक्ति कौन है, डी, तो डी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, किसकी, ई की। प्लस का अर्थ हम बात करें तो क्या हो गया, सन, यानी कि पत्नी का बेटा क्या हो गया, डी का भी बेटा हो गया। और फिर डिवाइडेड बाई का मतलब पत्नी, यानी कि बेटे की पत्नी, तो बेटे की पत्नी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, यानी कि डॉटर इन लॉ हो जाएगी, खत्म। बस इतना ही था, यही करके आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्लियर। अब ध्यान ये देना है हमें कि जो राइट मोस्ट एलिमेंट होता है कई बार उसका जेंडर नहीं डिसाइड होता, उसका जेंडर केवल और केवल कुछ स्पेशल केसेस में ही डिसाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाइफ, यानी कि डी क्या है, ई की वाइफ है, तो डेफिनेटली ई का जेंडर आपका क्या हो गया, मेल हो गया, क्योंकि ये इनकी पत्नी है, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और किन परिस्थितियों में इसका जेंडर डिसाइड हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने कहा डी यहाँ पे अगर दिया होता सन, यानी कि डी क्या है, ई का पुत्र है, और आगे चल के यहाँ पे सी क्या हो जाती, उसकी माता हो जाती, तो डेफिनेटली ई क्या हो जाता, पिता हो जाता। या हमने कहा डी ई का क्या है, पुत्र है, और आगे चल के इनकी ये क्या हो गया, ये पिता हो गए, तो डेफिनेटली ई का जेंडर क्या हो जाता, फीमेल हो जाता, और ई क्या हो जाती, डी की माता हो जाती। तो इन्हीं दो केसेस में आपका जो जेंडर है वो राइट मोस्ट वाले एलिमेंट का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे जनरेशन गैप की भी बात करेंगे और जेंडर से भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए अगले तो मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे आपसे पूछा है इन द गिवन एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पे स्थान पे कौन सा आपका इनमें से दिए गए सिंबल में से सिंबल देखने को मिलेगा, इफ जेड इज फादर ऑफ पी, यदि जेड क्या हो, पी के पिता हो। तो देख सकते हैं पहले व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कैसा फॉलो करेंगे, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। क्लियर, यानी कि यहाँ पे आपसे क्या दिया जा रहा है, इफ जेड इज द फादर ऑफ पी, तो ध्यान दीजिए माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो माइनस का अर्थ देखने को मिल रहा है मदर, यानी कि ये इनकी क्या है, मदर है, या वाई की क्या है, माता है, और प्लस का अर्थ हम बात करें तो क्या मिल रहा है, सन। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि क्यू क्या है, माता है, और यह इनका पुत्र है, तो यानी कि क्यू और जेड अगर क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ये अगर इनका पुत्र है तो जेड का भी क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों मैरिड कपल कब होंगे, तो मैरिड कपल वाले यहां पर आपके पास साइन कौन से है, तो यहां पर आपको एक साइन दिखाई दे रहा है, डिवाइडेड बाई, तो यहां पर अगर हम डिवाइडेड बाई का साइन रख दें, ध्यान दीजिए यहां पे अगर आप डिवाइडेड बाई का साइन रखते हैं तो क्या यहां पे आपको गड़बड़ देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिए हमें क्या बनाना था, मैरिड कपल बनाना था जेड को और क्यू को, लेकिन यहां पे जब आप इनको क्या बना देंगे, वाई के साथ मैरिड कपल बना देंगे, तो वाई की ये मदर हो जाएगी। ध्यान दीजिए ये वाई की क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, और उसका यह पुत्र है, तो कभी भी यहां पर जेड का रिलेशन पी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो पी कभी भी Z का पुत्र नहीं होने जा रहा है। कैसे नहीं होने जा रहा है, देखो इसको अगर आप यहां पे लिख लेते हो वाइफ, अगर आप यहां पे लिख लेते हो पत्नी, तो यह होगी इनकी पत्नी, और पत्नी की मदर यानी कि Z की कौन हो गई, सास हो गई, और सास का पुत्र यानी कि Z का क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। यानी कि इस तरह से कभी भी आपको उत्तर नहीं मिलने जा रहा है, तो यहां पर हम बात करेंगे बाकी के विकल्पों की कि कौन सा विकल्प आप यहां पर रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए करना कुछ नहीं है, अगर हम क्या बना लें यहां पे, इसको Z की या तो पुत्री बना लें या तो पुत्र बना लें। क्लियर। तो कई बार हम क्या करते हैं, इक्वेशन को ही देख करके इस प्रकार से विकल्पों को देख करके उसी में उलझे रहते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपको केवल और केवल क्या करने की आवश्यकता थी, ऑप्शन की तरफ देख लेने की आवश्यकता थी।
अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दो ही साइन हमको दिखाई दे रहे हैं, एक तो दिखाई दे रहा है प्लस और एक दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ पे प्लस रखते हैं तो प्लस का मतलब क्या है, सन, यानी कि ये जेड का पुत्र हो गया और ये इनकी माता हो गई, तो डेफिनेटली जेड क्या हो जाएगा, फादर। ध्यान दीजिए, यह जेड का पुत्र है और यह इनके पुत्र की माता है, तो डेफिनेटली जेड क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, और यह इनके माता का पुत्र यानी कि वाई का भाई है, तो उस केस में जेड डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर। यानी कि अगर आप प्लस का साइन रखते हैं तो भी आपको यहाँ पे उत्तर मिल रहा है। और ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रखते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन रखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुत्री यानी कि डॉटर। ये जेड की क्या हो गई, पुत्री हो गई, और ये उनकी माता हो गई, यानी कि जेड की क्या हो गई, पत्नी हो गई, और यहाँ पे जेड की पत्नी का पुत्र यानी कि डेफिनेटली जेड का क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा, और जेड क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो चाहे आप प्लस को रखिए चाहे आप मल्टीप्लाई को रखिए, दोनों ही केसेस में आपको उत्तर मिल जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे अप्रोच की, तो आप इसको फैमिली ट्री से भी हल कर सकते हैं, फैमिली ट्री से भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को बना करके देखेंगे। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू विद रिगार्ड टू एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपको दिया गया एल एम एन ओ पी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपके साइन रखे गए हैं, तो फटाफट से देख लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का रिलेशन अगेन आपको सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में देखने को मिल रहा है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले प्लस का अर्थ क्या है, सन। फिर आपको यहाँ पे दिया गया है माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे मदर। फिर आपको दिया गया है मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डॉटर। और फिर आपको दिया गया प्लस मतलब क्या है, सन। क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले दिए गए विकल्प की, तो बोल रहा है एल इज द नीस ऑफ पी, तो एल का जेंडर क्या है, मेल है, तो ये विकल्प आपका कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें तो बोल रहा है एम इज द ग्रैंड फादर ऑफ पी, यानी कि एम क्या है, पी का ग्रैंड फादर है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जनरेशन गैप को देखेंगे, तो यहाँ पे सन यानी कि एक जनरेशन नीचे, फिर मदर मतलब सेम जनरेशन, और फिर यहाँ पे डॉटर मतलब एक जनरेशन नीचे, तो एक जनरेशन नीचे वाला जो आपका बंदा या बंदी है तो वो कभी भी ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर हम बात करें, बोला P इज द ग्रैंड फादर ऑफ L, तो P क्या है, L का ग्रैंड फादर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल P का जेंडर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो कैसे होगा, ये इनका हो गया बेटा और ये बेटे की होगी माता, तो डेफिनेटली P क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। दूसरा अपने को क्या देखना है, जनरेशन गैप देखना है, तो देखो एक जनरेशन नीचे फिर एक जनरेशन ऊपर, यानी कि सेम जनरेशन, फिर एक जनरेशन नीचे और एक और जनरेशन नीचे, यानी कि दो जनरेशन का गैप है, तो आप आंख बंद करके इसको आंसर मार्क कर सकते हैं, यानी कि दो जनरेशन ऊपर में अगर बंदा मेल है तो क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा। क्लियर। इसको अगर आप फैमिली ट्री से बनाते तो, जैसे कि हमने कहा हमारे पास मल्टीपल वेज है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अगर आप इसको फैमिली ट्री से बनाते तो क्या हो जाता, ओ इज द सन ऑफ पी, तो ओ क्या हो जाता है, यहाँ पे पी का सन हो जाता। फिर आगे देखोगे तो यहाँ पे है एन इज द मदर ऑफ ओ, एन क्या है, ओ की माता है, तो डेफिनेटली पी की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, तो यह हो गई एन, और ये बंदा हो जाएगा मेल। फिर आओगे तो मल्टीप्लाई, यानी कि एम क्या है, डॉटर है किसकी, एन की, तो ये हो गई एम, यानी कि आप इसको ऐसे भी बना सकते थे या फिर ओ की सिस्टर भी बना सकते थे। और यहां पे दिया है L इज द सन ऑफ M, यानी कि L क्या है, M का सन है, यानी कि बेटा है, तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं P क्या हो जाएगा, P ग्रैंड फादर हो जाएगा किसका, L का, ये इनकी माता हो गई और ये माता के पिता हो गए, यानी कि नाना हो गए, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प C। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से आपको फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट में ही देखने को मिल रहा है, और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मींस क्यू इज द आंट ऑफ पी। अब ध्यान दो, क्यू आंट है, तो यहाँ पे आंट सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जेंडर उसका क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, तो फीमेल वाले जेंडर के लिए एक तो क्या है एट द रेट है और एक क्या है हैश है, यानी इन दो के अलावा और कोई साइन आपको यदि देखने को मिल रहा है पी के आगे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पी की बात करें हैश और एट द रेट के अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हैश मिला, यहाँ पे हैश मिला, यहाँ पे एट द रेट मिला,
यानी कि हम बात करें, अच्छा सॉरी क्यू, क्यू इज द आंट ऑफ पी, तो क्यू के आगे हमें देखना है, तो क्यू के आगे एट द रेट मिला, क्यू के आगे एट द रेट मिला, क्यू के आगे परसेंटेज मिला, यानी कि यह विकल्प आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरी आपको बात को क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी डायरेक्ट रिलेशन में यहाँ पे आंट का रिलेशन नहीं मिलेगा, यानी कि जहां जहां पी और क्यू डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं उन आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी को आप प्रेफर कर सकते हो। मैंने कौन कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्यू के आगे आपको परसेंटेज का साइन दिखाई दिया, परसेंटेज का मतलब ब्रदर है, तो बंदा मेल है तो कभी भी आंट तो नहीं हो सकती। दूसरा मैंने कहा डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि क्यू और पी के बीच में एक ही आपको सिंबल देखने को मिल रहा है, तो ये कभी भी आंट का रिलेशन नहीं शो करेंगे। और जो बचा लास्ट विकल्प, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एग्जाम हॉल में चेक मत करने लग जाना, केवल आपको एलिमिनेट करना है। तीन ऑप्शन अगर आपके एलिमिनेट हो गए तो सीधे चौथे को आंसर मार्क करके चले आना। चलो अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये रहा क्यू, ये रहा पी। डॉलर की बात करें तो डॉलर का मतलब होता है फादर, ये हो गया फादर। परसेंटेज का मतलब होता है ब्रदर, ये हो गया फादर के ब्रदर यानी कि चाचा। और हैश का मतलब होता है सिस्टर यानी चाचा की बहन, कौन, बुआ। तो क्लियरली आप देख सकते हो क्यू क्या है, पी की आंट है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, और यहाँ पे भी आपको फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में दिया गया है। पूछा है इन द गिवन एक्सप्रेशन हाउ पी इज रिलेटेड टू आर, पी का संबंध आर के रेस्पेक्ट में पूछा है। परसेंटेज की बात करें तो ब्रदर, और एट द रेट की बात करें तो मदर, यानी कि ब्रदर की मदर कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप आंसर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, माता। क्लियर, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। ध्यान दीजिए, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे वहां पे आपको फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन का रिलेशन फर्स्ट पर्सन के रेस्पेक्ट में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे लेफ्ट टू राइट का रूल। लेफ्ट टू अगर हम राइट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो पूछा हाउ टी इज रिलेटेड टू पी, टी का संबंध पी के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो एट द रेट की बात करेंगे तो एट द रेट का मतलब क्या हो गया, फादर। फिर बात करेंगे परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब हो गया वाइफ। फिर बात करेंगे प्लस, तो प्लस का मतलब हो गया डॉटर। और फिर हम बात करें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब हो गया सन यानी कि पुत्र। तो ध्यान दीजिए क्यू क्या हो जाएगा, पी का पिता हो जाएगा, पिता की वाइफ कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी, और माता की बेटी क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, और सिस्टर दिया था लास्ट में, मल्टीप्लाई का मीन्स सन, सॉरी। ध्यान दीजिए पी के पिता कौन, क्यू, पिता की पत्नी कौन, पी की माता, और इनकी माता की डॉटर यानी पी की बहन, और बहन का बेटा यानी कि क्या हो जाएगा, नेफ्यू। क्लियर, यानी कि भतीजा या भांजा। क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। तो जब कभी भी आपको, अच्छा मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोग इसको उल्टा भी फॉलो करते हैं, तो वहां पे क्या कठिनाई आती है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगर आप इसको उल्टा बनाते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया आपका सन यानी कि बेटा, यहाँ पे क्या आ गया आपका डॉटर यानी कि बेटी, यहाँ पे बात करें तो वाइफ यानी कि पत्नी, और यहाँ पे बात करें तो फादर। अगर आप इसको ऐसे बनाते भी हैं तो आपको फिर से एक बार यहाँ से जाना ही होगा टी तक, वरना आप आंसर नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये इनका बेटा है, बेटे की, ये फिर क्या है, टी क्या था, बेटा था, ये इनकी बेटी थी, फिर उसके बाद ये इनकी पत्नी थी, फिर उसके बाद ये फादर थे, तो फिर से आपको इसको बिना रिलेट के आप उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए हम यहाँ पे दो बार मेहनत करने के बजाय सीधा सीधा क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट का रूल फॉलो करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को बनाएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले प्रश्न में भी आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन का रिलेशन फर्स्ट पर्सन के रेस्पेक्ट में दिया गया है। क्लियर, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछे गए प्रश्न की। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा वाला आपका सिंबल आएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें यदि क्या है, एल एन का दामाद है तो, यानी कि एल को क्या होना है, सन इन लॉ होना है किसका, एन का। तो ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये हो गया एट द रेट, ये हो गया एन। एट द रेट की बात करें तो यहाँ पे एट द रेट का मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं क्या दिया गया है, पिता, यानी कि सेकंड वाला पर्सन क्या है, पिता है किसका,
एम का। अब सेकंड वाला पर्सन पिता है और ये इनका दामाद होगा, तो डेफिनेटली एम के साथ में इसको क्या होना पड़ेगा, मैरिड होना पड़ेगा, और एम मस्ट बी द वाइफ ऑफ एल, यानी कि एम क्या हो जाएगी, यदि एल की पत्नी हो जाएगी तो एल क्या हो जाएगा, एन का दामाद हो जाएगा। और पत्नी के लिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आपके पास सिंबल कौन सा है, परसेंटेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो यह हो गए इनकी पत्नी और ये हो गए पत्नी के पिता, तो ये पत्नी के पिता है तो एल डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा, और एन की बात करें तो क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। तो यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में दिया गया है इफ पी मल्टीप्लाइड क्यू, P इज द सिस्टर ऑफ Q, यानी कि फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकेंड पर्सन से दिया गया है। क्लियर, यहां पे सीधे हम आ जाते हैं कहां पे, क्वेश्चन में पूछा है। ओके, यहां पे आपको इक्वेशन दिए गए, ऑप्शन में पूछा है X इज द आंट ऑफ Y बी डिनोटेड, यानी कि किस वाले में X क्या हो जाए, Y की आंट हो जाए, तो जहां पे भी X क्या हो जाएगा, Y के साथ में डायरेक्ट दिया होगा, आप उस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया और कहीं भी आपको x और y का डायरेक्ट रिलेशन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और x को क्या होना है, y की आंट होना है, तो ध्यान दीजिए यहां पे सबसे पहले तो x मस्ट बी अ फीमेल मेंबर, तो यहां पे आप मल्टीप्लाई का साइन यूज कर सकते हैं जो कि क्या है, सिस्टर के लिए है, प्लस की बात करें तो डॉटर के लिए है, ये भी साइन यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई की बात करें तो मदर के लिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी आप जेंडर के आधार पे एलिमिनेट नहीं कर सकते साइन से, ठीक है ना। तो साइन के आधार पे यहां पे आपका एलिमिनेशन नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं बचे हुए विकल्पों की, तो ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, ये इनकी सिस्टर हो गई, डिवाइडेड बाई का मतलब मदर, सिस्टर की मदर यानी इनकी भी मदर, और मल्टीप्लाइड का मतलब सिस्टर यानी कि मदर की सिस्टर, मौसी या फिर आंट। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, बाकियों को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन हमेशा इसी क्रम में आप चेक करेंगे, यानी कि आपका जो एलिमिनेट हुआ हुआ बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस होंगे आप उसको नीचे से ही चेक करना शुरू करेंगे। क्लियर, चलिए फटाफट से बात कर लेते हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। दिया गया है ए प्लस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, यहाँ पे अगेन आपको फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकेंड पर्सन के रेस्पेक्ट में दिया गया है। तो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या दिया गया है, वाइफ, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो माइनस का मतलब दिया गया है डॉटर यानी कि बेटी, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो डिवाइडेड बाई का मतलब दिया गया है सन। क्लियर, और एक छोटा सा आपको एक्सप्रेशन दिया गया है। एक और बात ध्यान दें कि जो बच्चे बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बैंकिंग के एग्जाम में आपको यह 5 नंबर तक का प्रश्न देखने को मिलेगा, तो उस केस में आप इसको कैसे हल करेंगे, तो आप एक बार इस तरह से साइन और उनके रिलेशंस को लिख लेंगे, उसके बाद जो भी प्रश्न आ रहा है तो बार बार आपको ऊपर इनके यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आप कहीं ना कहीं अपना समय बचा पाएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें पूछे गए प्रश्न की, तो पूछा क्या है व्हाट विल एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई जेड मींस। क्लियर, और यहाँ पे कुछ आपको रिलेशंस के नाम दिए गए हैं, तो फटाफट से देखिए डिवाइडेड बाई का मतलब क्या हो गया, सन यानी कि यह इनका बेटा हो गया और यह बेटे की डॉटर हो गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटे की डॉटर, तो ध्यान दीजिए जेड का तो यहाँ पे जेंडर ही नहीं क्लियर हुआ, ऑप्शन कैसे आप एलिमिनेट करोगे, इस पे आपको विशेष काम करना, ध्यान दो यहां पे दिया है डिवाइडेड बाई का मतलब सन यानी कि यह इनका क्या हो गया, बेटा हो गया, और माइनस का मतलब दिया है डॉटर यानी कि यह बेटे की डॉटर हो गई। तो इस केस में जेड का जेंडर ही नहीं क्लियर हुआ, तो जेड इज द फादर ऑफ एक्स आप नहीं कह सकते, और जनरेशन का गैप भी आपको 2 जनरेशन का गैप दिख रहा है। क्लियर, अगर यहाँ पे जेड को ग्रैंड फादर भी बोलता तो भी आप आंसर नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि जेड का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर हम यहाँ पे बात करें एक्स इज द ग्रैंड डॉटर, यानी कि एक्स क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। इसको आप फैमिली ट्री में बनाते तो इस तरीके से बनता कि वाई क्या हो गया, जेड का पुत्र हो गया, और एक्स क्या हो गई, इनकी पुत्री हो गई, यहाँ पे जेड का जेंडर क्लियर नहीं है। क्लियर, चलिए बात कर लेते हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में, और अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टी इज द सन ऑफ क्यू, यानी कि किस में टी जो है वो क्या है, क्यू का पुत्र है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए
टी का जेंडर क्लियर होना चाहिए। और हमने कहा जब टी क्या होगा, राइट मोस्ट एलिमेंट है, यानी कि जो भी यहाँ पे राइट मोस्ट एलिमेंट है उसका जेंडर कुछ ही केसेस में क्लियर होता है। तो हम इन तीन ऑप्शंस को क्या करेंगे, होल्ड पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आपके जो राइट मोस्ट एलिमेंट होता है, जब फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकेंड पर्सन के रिस्पेक्ट में दिया गया हो तो क्लियर हो पाता है। तो यानी कि हम सबसे पहले किस ऑप्शन को यहाँ पे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो हमें यहां बताना है कि किसमें टी जो है वो क्यू का क्या है, सन है, टी इज द सन ऑफ क्यू। तो टी का जेंडर की अगर हम बात करें तो एट द रेट का मतलब क्या दिया गया है, ब्रदर, यानी कि टी का जेंडर मेल है, ये हमको यहां से क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हैश की बात करें तो हैश का मतलब दिया है सिस्टर, यानी कि यह क्या है, टी की सिस्टर है। और परसेंटेज की बात करें तो दिया है फादर, यानी कि टी के बहन के पिता, और टी एक मेल मेंबर है, सो डेफिनेटली टी विल बी द सन ऑफ क्यू। अगर इसको आप फैमिली ट्री में बनाओगे तो ये हो गया टी। टी कैसे हमें पता चला मेल मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था एट द रेट मीन्स ब्रदर, यानी कि टी क्या हो जाएगा, एस का भाई हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया टी क्या है, मेल मेंबर है। फिर उसके बाद आपको दिया गया है हैश, और हैश का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया सिस्टर, यानी कि आर क्या है, टी की सिस्टर है, और क्यू क्या है, टी के सिस्टर के पिता है, यानी कि डेफिनेटली टी क्या हो जाएगा, सन ऑफ क्यू। तो ये तो बात हो गई कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की। अब हम कुछ ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हल करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों ही प्रकार के प्रश्नों को अभी पढ़ लिया है, अब हम क्या करेंगे कंबाइंड रूप से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए और क्वेश्चंस को हमारे साथ साथ आप भी यहाँ पे क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉइंटेड फॉर्म ऑफ, अच्छा फैमिली ट्री से देखने को मिल रहा है, विनीत इज द हस्बैंड ऑफ अंतिमा। चलिए विनीत क्या है, अंतिमा के हस्बैंड है, तो डेफिनेटली इनका भी जेंडर क्या हो गया, क्लियर हो गया। देव इज द ब्रदर ऑफ कुश, यहाँ पे इनके बारे में जानकारी नहीं है। और आगे अगर हम बात करें तो देव इज द सन ऑफ विनीत, चलो यहाँ पे मिला देव क्या था, विनीत का सन है। फिर यहाँ पे बोला है देव इज द ब्रदर ऑफ कुश, यानी कि देव क्या है, कुश का भाई है, कुश का जेंडर नहीं क्लियर है। शालिनी इज द मदर ऑफ कुश, मदर, यानी कि कुश के मदर की मदर कौन है, शालिनी। फिर यहां पे बोला है हाउ इज अंतिमा रिलेटेड टू शालिनी, अंतिमा शालिनी से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर, यानी कि बेटी। बढ़ते हैं हम लोग यहां पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला है मयंक अरविंद का पुत्र है, तो मयंक क्या है, अरविंद का पुत्र है, किसका पुत्र है, अरविंद का, अरविंद का जेंडर नहीं क्लियर है। मयंक और अमन भाई हैं, तो मयंक और अमन क्या है, भाई है। फिर आपको दिया है दुर्गा अमन की माता है, तो दुर्गा अमन की माता है तो डेफिनेटली अरविंद क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, और ये हो गई आपकी दुर्गा। फिर बोला है संचित अरविंद का भाई है, संचित क्या है, अरविंद का भाई है, तो ये हो गए आपके संचित। फिर अगर मैं यहां पे बात करूं तो दिया है हरीश संचित का पुत्र है, ये हो गया आपका हरीश, और ये भी क्या है, मेल मेंबर है। हरीश का अमन से क्या संबंध है, तो हरीश क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन से, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा, यानी कि सुकन्या किसके बारे में बता रही है, एक महिला यानी कि वुमेन के बारे में बता रही है, उसके बेटे का पुत्र, यानी कि महिला के बेटे का पुत्र मेरी पुत्री की बहन का भाई है, यानी कि ये हो गई महिला, महिला की सॉरी ये हो गई सुकन्या, सुकन्या की पुत्री की बहन का जो भाई है, यानी कि ये पर्सन और ये पर्सन दोनों क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, तो ये हो गई सुकन्या की पुत्री की बहन, ये हो गई सुकन्या की पुत्री, और ये हो गई सुकन्या, और सुकन्या का डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न में वह महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला सुकन्या के हस्बैंड की माता, यानी कि मदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर डी। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इंट्रोड्यूसिंग रवीना नीतीश सेड शी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ माई सिस्टर सन, यानी कि नीतीश की
सिस्टर के सन की मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी, सॉरी मैटरनल ग्रैंड मतलब नानी, ठीक है। तो नीतीश के सिस्टर की, सिस्टर के बेटे की मैटरनल ग्रैंड मदर है कौन, यह महिला। तो यहां पे पूछा क्या, हाउ इज रवीना रिलेटेड टू नीतीश, तो रवीना क्या हो जाएगी, नीतीश की मदर हो जाएगी। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें रवीना की, तो रवीना क्या है, नीतीश के सिस्टर के बेटे की नानी है, यानी कि नीतीश की क्या हो जाएंगी, माता हो जाएंगी। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन से है। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया, पूछा निम्नलिखित व्यंजक में के का संबंध किससे पूछा है, के जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो ये रहा आपका के और ये रहा आपका जेड। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिलेशन आपको कैसे दिया गया है, फर्स्ट पर्सन इज रिलेटेड विद सेकेंड पर्सन, क्लियर। तो करना कुछ नहीं है, लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले बात करेंगे एट द रेट की। तो एट द रेट का मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, तो एट द रेट की अगर हम बात करें तो दिया गया है वाइफ, यानी कि यह इनकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो ऑब्वियस ही बात है जेंडर भी यहाँ पे के का क्या हो गया, क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे हैश की, तो हैश का मतलब क्या हो गया, डॉटर, यानी कि पत्नी की बेटी, यानी कि के की भी बेटी। एंड की बात करें तो दिया गया है ब्रदर, बेटी का भाई, यानी कि इनका क्या हो गया, बेटा हो गया। और एट द रेट की अगर हम बात करें तो बेटे की पत्नी, यानी कि इनकी क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी। और अगर हम बात करें के की, तो पूछा है हाउ इज के रिलेटेड टू जेड, तो के क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। इसको अगर आप लोग फैमिली ट्री पे बनाते तो भी आप लोग देख लो, यहाँ पे फटाफट क्या हो जाता, एच हो जाती पत्नी किसकी, के की। फिर यहाँ पे है डॉटर, यानी कि ये इनकी हो जाती, टी क्या हो जाती, बेटी हो जाती एच की। फिर यहाँ पे बेटी का भाई कौन हो जाता, आर हो जाता, और आर की ये हो जाती पत्नी कौन, जेड। पूछा क्या है के जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इनके पति हो गए, पति की बहन यानी कि इनकी ननद हो गई, ननद की माता यानी कि इनकी सास हो गई, सास के हस्बैंड यानी कि इनके ससुर हो गए। जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे बनाइए, लेकिन इस प्रकार से अगर आपको एक बार सॉल्व करना आ गया तो कहीं ना कहीं आप अपना समय बचा पाएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बोल रहा है बी एंड डी आर कजिन ब्रदर्स, बी और डी क्या है, कजिन ब्रदर्स हैं। इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ए इज द फादर ऑफ बी, ए क्या है, बी का पिता है, ठीक है। और बी और डी कजिन ब्रदर्स, इसका मतलब बी का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। आगे की बात करें एंड अंकल ऑफ सी, और सी का क्या है, अंकल है। ए इज द फादर ऑफ बी एंड अंकल ऑफ सी, यानी कि कोई इनके भाई या बहन होंगे, और उनके बेटे या बेटी यहाँ पे कौन है, सी, ठीक है। हु इज द सिस्टर ऑफ डी, अच्छा सी क्या है, डी की सिस्टर है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका, डी हो गया। आगे की इंफॉर्मेशन की बात करें तो बोला है सी इज मदर इज मैरिड टू ई, सी की जो मदर है वो किसके साथ है, मैरिड है, ई के साथ है, मैरिड है। हु इज द ब्रदर ऑफ ए, जो कि क्या है, ए का भाई है। तो ए का भाई कौन है, ई, ए का भाई कौन है, ई। चलो जब सबको हम प्लस माइनस से डिनोट कर रहे हैं तो इसको भी हम प्लस माइनस से करते हैं। और यहां पे बात करें तो सी की जो माता है वो किसके साथ है, मैरिड है, वो ई के साथ में मैरिड है, यानी कि यहां पे एक कोई बंदी होगी। हु इज द ब्रदर ऑफ ए, फिर पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी इज फादर, बी जो है वो सी के फादर से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्यू यानी कि भतीजा। ये हो गए सी के पिता, ये इनके हो गए भाई, तो भाई का ये क्या है, पुत्र है, तो भाई का पुत्र है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हिमांशु हिमताशु, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये हिमांशु होगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन की बात करें तो हिमांशु अंजन की क्या है, पुत्री है। तो देखो हिमांशु क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो अंजन की। अंजन का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद है अर्चना की बहन मृणालिनी, ठीक है, खतरनाक सा नाम है। उसके बाद यहाँ पे हमें अर्चना और मृणालिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, का एक पुत्र राहुल और एक पुत्री सुनैना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कल्पिका कृपाल की माता और सुनैना की माता है, यानी कि यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन किसके किसके रिगार्डिंग चाहिए, तो हमें या तो हिमांशु से रिलेटेड या तो
यहाँ पे अंजन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वहां से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया कृपाल जो है वो क्या है, हिमांशु का भाई है। तो ये हो गया आपका कौन, कृपाल, और ये क्या है, हिमांशु का भाई है। कृपाल से रिलेटेड दूसरे इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कल्पिका कृपाल की क्या है, माता है। तो ये हो गई कल्पिका, और कल्पिका अगर कृपाल की माता है तो डेफिनेटली अंजन क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, मैरिड विद कल्पिका। क्लियर। आगे की अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, यहां पे दिया है कल्पिका कृपाल की माता है और सुनैना की माता की बहन है, यानी कि सुनैना की माता की बहन है तो ये हो जाएगी सुनैना की माता और ये हो जाएगी आपकी सुनैना। दिया है राहुल कृपाल का कजिन है, राहुल क्या है, कृपाल का कजिन है, तो यहाँ पे सुनैना का भाई अथवा बहन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया था, अर्चना की बहन मृलानी का एक पुत्र राहुल और एक पुत्री सुनैना है, यानी कि सुनैना पुत्री है तो इनका भाई क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। और ध्यान दीजिए अर्चना की बहन, तो यानी कि इनकी एक और बहन होगी अर्चना और ये क्या हो जाएगी आपकी मृलानिनी हो जाएगी और ये बहन हो जाएगी इनकी कौन, अर्चना। चलिए ये राहुल क्या हो जाएगा, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो ध्यान दीजिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में कराए ये सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, यानी कि हम बात करें यहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेशन की, तो पूछ रहा अंजन अर्चना से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गया अंजन, ये हो गया अर्चना, तो ये अर्चना की बहन और ये इनकी बहन, यानी कि अर्चना की भी बहन और अर्चना की बहन का हस्बैंड यानी कि क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। क्लियर। अर्चना की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा यानी कि जीजा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अस्मित वाइफ रीना, तो ये हो गया अस्मित, इनकी वाइफ कौन है तो रीना, एंड रानीज हस्बैंड आदित्य। अच्छा रानी किसके साथ है मैरिड है, रानीज हस्बैंड आदित्य, ये डबल एरो। क्लियर। चल अस्मित वाइफ इज रीना एंड रानीज हस्बैंड इज आदित्य, रानीज फादर इन लॉ इज द पेटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ रीनाज ओनली डॉटर, यानी कि हम बात करें रीना की एकमात्र डॉटर के यहां पे पेटर्नल ग्रैंड फादर हैं कौन, रानीज फादर इन लॉ, यानी कि रानी के जो फादर इन लॉ हैं रानीज फादर इन लॉ इज अ पेटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ रीनाज ओनली डॉटर, रीना के एकमात्र बेटी के जो ग्रैंड पेटर्नल ग्रैंड फादर है वो क्या है, यहां पे दिया गया है रानी के फादर इन लॉ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पे अगर हम बात करें हिंदी की, तो ध्यान दीजिए अस्मित की पत्नी रीना और रानी का पति आदित्य है, रानी के ससुर, यहां से ध्यान दीजिए रानी के ससुर, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड, रानी और रीना में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन आ रही है, रानी के ससुर, तो रानी के ससुर यानी कि हम बात करें जो रीना के ससुर हैं वह रानी के भी ससुर होंगे, कैसे होंगे, तो ध्यान दीजिए रानी के ससुर रीना की इकलौती पुत्री सिया, तो ये हो जाएगा आपका सिया के दादा है, तो सिया के दादा है कौन, रीना के इकलौती पुत्री के कह सकते हो दादा है या फिर आप कह सकते हो रानी के ससुर, तो रानी के ससुर की हम बात करें तो यहां पे आपका जो आदि है वो क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा किसका, अस्मित का, मैरिड विद क्या हो जाएगा, साइन से ही हम इसको प्लस माइनस से इसको हम डिनोट कर लेते हैं, यहां पे जो बंदा होगा वो क्या होगा, एक मेल होगा। चल तो आदि की यहां पे पत्नी की अगर हम बात करें तो कौन है, रानी, तो जो रानी के ससुर हैं, ध्यान दीजिए रानी के ससुर कौन होंगे, आदि के फादर, वह कौन है, तो रीना की एकमात्र बेटी सिया के क्या है, दादा है,
क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, प्रश्न किसका पूछा है, तो पूछा अस्मित आदित्य से कैसे संबंधित है। तो अस्मित आदित्य से कैसे संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर यानी कि भाई। क्लियर। तो कई बार यहाँ पे आपको थोड़े से नाम में भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो बोला है रेवती इज द सिस्टर ऑफ सुजीत, तो ये हो गई रेवती किसकी बहन है, तो सुजीत की। सुजीत का जेंडर यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ। प्रांजल्स मदर इज मैरिड टू सुजीत, यानी कि प्रांजल की जो मदर है, तो यहाँ से आप सुजीत का जेंडर क्लियर कर सकते हो। और ये मदर किसकी है, प्रांजल की। अभी तक प्रांजल का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। चल फिर बोला है भाविता हैज वन सन एंड वन डॉटर, भाविता कोई बंदी है या बंदा है, उसके एक क्या है, सन है और एक डॉटर। लोपा इज द सिस्टर ऑफ प्रांजल, लोपा क्या है, प्रांजल की सिस्टर है। आगे आपको दिया गया है हु इज द पेटर्नल ग्रैंड सन ऑफ भाविता, लोपा इज द सिस्टर ऑफ प्रांजल, हु इज द पेटर्नल, यानी कि यहाँ हु किसके लिए, प्रांजल के लिए, और ये क्या है, पेटर्नल ग्रैंड सन है। किसका पेटर्नल ग्रैंड सन है, तो आपको यहाँ पे दिया गया भाविता, यानी कि पेटर्नल ग्रैंड सन यानी कि इनके पिताजी के माता या पिता कौन हो जाएंगे, भाविता हो जाएंगे। और भाविता का दिया गया एक पुत्र और एक पुत्री है। लोपा इज द डॉटर ऑफ राम्या, लोपा क्या है, राम्या की डॉटर, मतलब ये क्या हो जाएगी, राम्या हो जाएगी। हाउ इज रेवती रिलेटेड टू राम्या, रेवती राम्या से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगी इनके पति और इनके पति की बहन हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ कहीं पे भी आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन छोड़ के भाग मत जाइएगा। यहां पे एक विकल्प आपको दिया गया है पति की बहन, क्लियर। तो देखिए ये इनके पति हो गए और इनके पति की बहन, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब ऐसा नहीं कि सिस्टर इन लॉ नहीं दिया है तो हम छोड़ के भाग गए आगे। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से इसको हम लोग भी सॉल्व करते हैं। पॉइंटिंग टू द पोर्ट्रेट ऑफ अ जेंटलमैन रश्मि सेड ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ माई सन, यानी कि रश्मि के बेटे के ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ माई सन, यानी कि इनके सन, रश्मि के बेटे की वाइफ, रश्मि के बेटे की वाइफ के फादर इन लॉ है, यानी कि रश्मि के कौन हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। हिंदी की बात करें तो देखो एक सज्जन के चित्र की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी, तो रश्मि के बेटे की पत्नी का ससुर है, तो रश्मि के बेटे की पत्नी का ससुर कौन होगा, तो रश्मि के हस्बैंड हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे, वह व्यक्ति रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हस्बैंड यानी कि पति, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। इस पर्टिकुलर अगर हम चैप्टर की बात करें तो इससे रिलेटेड आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है वो आपको वेबसाइट्स पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे, क्लियर। और अगर हम बात करें इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स की, तो वो भी आपको इस लेक्चर के बाद में आप वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी जाएगी, क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप लोग उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हमारे साथ, फिर चाहे वो आपका लेक्चर से रिलेटेड हो या जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं उससे रिलेटेड हो, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।